लिखा है पद भेद से अर्थ भेद, अर्थ भेद से आचरण और व्यवहार भेद, आचरण और व्यवहार भेद से प्रक्रिया भेद तथा प्रक्रिया भेद से अर्थ भेद है। ये होता है कि नहीं होता है? मैंने पद भेद से अर्थ भेद, पद क्या है? प्राण पद है ना, भ्रांति पद और देव पद, दिव्य पद। ठीक है, ये मानव के बारे में बोला है। हाँ ठीक है, पूरा सहस्तित्व ही आ गए ना भाई। प्राण पद में रासायनिक, अच्छा प्राण पद भी हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, है ना, ये आ गया। इन पदों में जो है सब मैंने मनुष्य से लेकर मट्टी से सब है, वो सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका प्रयोजन अलग अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वही अर्थ भेद, प्रयोजन अलग अलग। शायद साधन भाई की होगी इधर, नहीं आपका नहीं बाबा, आप क्या बोल? कुछ नहीं, वैसे पूछा। गोविंद कर रहे हैं? हाँ, सामान लेने गया है, सामान। हाँ तो पद भेद से प्रयोजन भेद। हाँ, ठीक है, है ना। हाँ, हर वस्तु का, मिट्टी का प्रयोजन अलग है, ठीक है, पत्थर का प्रयोजन अलग है, ठीक है, सबका प्रयोजन अलग है, ठीक है, तो प्रयोजन भेद है। उससे आचरण और व्यवहार भेद, भेद वो भी ठीक है। आचरण और व्यवहार भेद से, आचरण तो जड़ संसार में भी है। हाँ ठीक है, व्यवहार जो है ना मनुष्य में है। ठीक है, है ना, ठीक है, मनुष्य का व्यवहार में ही भेद आ गया। ठीक है, क्या आ गया, क्या भेद आ गया? जीव चेतना व्यवहार, ठीक है, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, व्यवहार हो गए। ठीक है, इसका सबका प्रयोजन अलग हो गया। ठीक है, इसके आगे लिखा है आचरण और व्यवहार भेद से प्रक्रिया भेद। हाँ, जो इन आचरण, आचरण के करने जाते हैं, प्रक्रिया अलग अलग होगी। जीव चेतना में हम काम करेंगे, प्रक्रिया अलग होगा कि नहीं? अच्छा, है ना, प्रक्रिया मतलब उस आचरण को करने का जो प्रोसेस या जो विधि है, ये कह रहे हैं प्रोसेस है, उसको कहते हैं। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया है, बढ़िया, बहुत काम है।